हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्य शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। अब उसमें हम देख रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्स। और हम देखेंगे आज अभ्यास 5.3। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है संयोग और प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। दैनिक जीवन में हम प्राय निम्न प्रकार के कथन कहते हैं, संभवतः आज वर्षा होगी। तो इसमें क्या है, एक प्रोबेबिलिटी हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि क्या आज वर्षा होगी, अनुमान लगा रहे हैं हम। जरूरी नहीं है कि हमारा अनुमान सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अनुमान सही हो। रेलगाड़ी शायद देर से आएगी, यह संभव नहीं है कि बैंक ने कोई गलती की है। अधिक संभावना है कि अगले सितंबर मास में दालों के मूल्य गिर जाएंगे, यानी कि रेट डाउन हो जाएंगे। मुझे संदेह है कि वह दौड़ में जीत पाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फ्यूजन होती है किसी चीज़ को लेकर। शब्द संभवतः, शायद तथा संभावना का प्रयोग यह दर्शाता है। कौन कौन से शब्द, संभवतः, शायद और संभावना का प्रयोग यह दर्शाता है कि यह घटना जिसके विषय में हम उपरोक्त कथन कह रहे हैं कि घटने का हमें पूर्ण विश्वास नहीं है, अर्थात घटना शायद घट भी सकती है, शायद नहीं भी घट सकती है। ठीक है, प्रायिकता सिद्धांत गणित की वह शाखा है जिसमें अनिश्चितताओं की स्थितियों के अध्ययन के लिए, यानी कि कॉन्टीजेंसीज के लिए अध्ययन के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कोई परिणाम प्राप्त करना कैसे करेंगे हम। कोई परिणाम प्राप्त, आपने संभवतः यह देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के प्रारंभ होने से पहले, दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर यह निर्णय करने के लिए सिक्का उछालते हैं। टॉस होता है ना, कि कौन टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। और जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या संभव परिणाम प्राप्त होते हैं, निसंदेह चित या पट, यानी कि या तो हेड आता है या टेल आती है। तो दोनों में से तो एक ही आता है, ये तो यानी कि कोई तीसरा आ जाएगा। जब हम कॉइन उछाल रहे हैं तो कॉइन में हेड और टेल ही होते हैं, तो यही आता है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है कि हमने हेड लिया हो तो टेल आ जाए, हमने टेल लिया हो तो हेड आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। अब देखो क्या है यादृच्छिक प्रयोग। यह एक ऐसी घटना है जिससे के हमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात हैं, परंतु हम निश्चय रूप से यह नहीं कह सकते कि वास्तव में कौन सा परिणाम प्राप्त होगा और किस प्रकार के प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिक्के को उछालते हैं, हमें दो संभावित परिणामों के बारे में ज्ञात है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि चित आएगा या पट। इस प्रकार की घटना को यादृच्छिक घटना कहते हैं। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक घटना कहते हैं। यानी कि ये तो हमें पता है कि जो है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर ये नहीं पता है कि इन दोनों में से क्या आएगा। तो जब हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड चीज होती है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है कुछ, तो उसे हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। अब देखिए, संयोग को प्रायिकता से जोड़ना। अब कैसे जोड़ेंगे हम संयोग को प्रायिकता से, एक सिक्को को एक बार उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए। परिणाम क्या है, यह केवल दो परिणाम है, चित या पट। क्या है, दो परिणाम है। अब दोनों ही परिणाम सामप्रायिक हैं। एक चित प्राप्त करने की संभावना दो परिणामों में से एक, अर्थात 1/2 है, यानी कि 1/2 है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ओके, घटनाओं के रूप में परिणाम कैसे आएंगे, एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना बनती है। उदाहरणतः एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में एक चित प्राप्त करना एक घटना है, और एक पट प्राप्त करना भी एक घटना है। ये हमारी एक घटना है। एक पासे को फेंकने की स्थिति में परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ही आएगा। प्राप्त परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। ठीक है ना, तो अभी कह रहे हैं कि जब कोई चीज आएगी, जैसे डाइस है, डाइस से या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तो नहीं आ सकता ना, यानी कि लिमिटेड है कि 1 से 6 तक ही आएगा। अगर हम एक, ठीक है, और क्या हो सकता है, और यही कॉइन, कॉइन में क्या आएगा, कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कुछ तो नहीं आ सकता, या फिर हेड और टेल दोनों तो नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं हो सकता, तो खाली हेड होगा या टेल होगा। तो ये घटनाओं के रूप में प्राप्त हमारे परिणाम है। अब देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखेंगे, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। क्या है, यानी कि 4 तो रेड बॉल्स हैं और 2 जो हैं वो येलो बॉल हैं। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, अर्थात सर्व समय आइडेंटिकल हैं, यानी कि इनकी शेप,
इनकी हर तरीके से शेप, इनका वेट हर तरीके से सेम है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, और क्या यह एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? तो देखो यहाँ घटना के कुल 4+2 यानी कि =6 परिणाम है। लाल गेंद प्राप्त करने के लिए 4 परिणाम हैं। लाल गेंद प्राप्त करने के लिए 4 परिणाम हैं। अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 4/6। क्यों? क्योंकि टोटल जो गेंदे हैं, पहले हम काउंट करेंगे कितनी हमारी गेंद है। तो देखो जो बॉल्स हैं हमारी वो कितनी हैं? 4 तो 4 हमारी हैं रेड और 2 हमारी क्या है येलो। 4+2 कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई। ठीक है, अब देखो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 4/6 है, तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गए, तो ये हो गया हमारा 2/3। इसी प्रकार पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 2 1। अब देखो लाल गेंद कितनी थी? 4 थी। कितने में से? 6 में से। 2 2 4 2 3 6 ये आ गया 2/3। अब देखो येल्लो वाली बॉल कितनी थी? येल्लो वाली बॉल थी 2 और टोटल था हमारा आउट ऑफ 6, तो 2 1 2 2 3 6 तो हमारा आएगा 1/3, तो ये आ गया। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो हमारी बॉल सबसे ज्यादा होगी, यानी जो भी जिसकी चीज भी जिस भी चीज की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। निम्न प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना और 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब देखो अगर हम इस पहिए को हम एक साथ घुमाएंगे तो क्या होगा? पहिए में ABCD कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। ABCD 4 अक्षर है, 4 परिणाम होंगे। अब 2 सिक्कों को हमने एक साथ उछाला, तो पहले पे हमारा हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया। पहले पे हेड आया, दूसरे पे हमारा टेल आया। पहले पे हमारा टेल आया, दूसरे पे हेड आया, और अब इस पे भी टेल आया, इस पे भी टेल आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल होंगे। यहाँ एच चित के लिए है यानी कि हेड के लिए, और पट के लिए हमारा टी है यानी कि टेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पार्ट 1 इसमें हमसे बोला है कि एक अभाज्य संख्या, और इसके ही पार्ट 1 के दूसरे पार्ट में बोला है कि एक अभाज्य संख्या नहीं। जो यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है? वो है हमारी भाज्य। 5 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खाली या तो इटसेल्फ, उनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर इटसेल्फ, यानी कि वो खुद। ठीक है ना, तो इसके दो ही फैक्टर हमारे होते हैं। तो देखो एक अब ये पासा है, पासे को देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसमें प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, तो प्राइम नंबर हमारे हो गए 3। तो अब कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम होंगे 2 3 और 5 होंगे, और एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम क्या होंगे? 1 4 और 6 होंगे। अब देखो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी खाली यहाँ पर 6 ही है, तो 6 है, और 5 से बड़ी संख्या नहीं यानी कि 5 से छोटी है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 ही होंगे। 5 से बड़ी संख्या नहीं है ना, तो इसमें हम 5 भी हम ऐड करेंगे तो 5 भी होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं ज्ञात कीजिए ए बी और सी पार्ट इसके हैं। प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता अच्छी प्रकार से फेटी हुई 5 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो अब देखो 1A के सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पहुंचते हैं हम। 1 का ए पार्ट है ना, तो इसमें कह रहे हैं डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? कितने हैं टोटल पार्ट इसके? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है और डी आ रहा है खाली एक बार। डी कितनी बार आ रहा है? तो ये है ना 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था टोटल तो हमेशा हम नीचे लेते हैं और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम ऊपर लेते हैं। तो देखो एक बार,
और कितना है टोटल, तो 1/5 इसकी प्रायिकता होगी। अगर परसेंटेज में कहना चाहूँ तो 20%। अब देखो ये कह रहे हैं अगर ये एक ही प्रायिकता पूछते तो हो जाती 2/5, ठीक है, और बाकी सबकी 1/5 ही रहती। अच्छे प्रकार से फटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो 52 ताशों की गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं, कितने इक्के होते हैं 4, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितने इक्के होते हैं, कितना क्या होता है, तो 4 इक्के होते हैं, अतः इक्के कितने होते हैं 4, और टोटल क्या है 52। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 1 4 4 3 12, तो ये हो गई 1/13, ठीक है ना। अब देखो सी, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की संख्या में क्या आएगा यहाँ पर 7, लाल सेबों की संख्या क्या आएगी 4। अब देखो यहाँ पे कितने हैं कुल सेबों की संख्या में, देखो रेड 1 2 3 4, 4 तो है हमारे रेड वाले सेब, ठीक है। तो इन्होंने बोला लाल सेब आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 2 3 4 4 है ना ये 4, और टोटल सेब कितने हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7। अगर ये बोलते ग्रीन सेब आने की प्रायिकता, तो ग्रीन देखो कितने हैं 1 2 3, तो हमारे हो जाते 3/7, ओके। अब देखिए फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं, एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित में प्रायिकता क्या होगी। अब देखो 1 से 10 तक के नंबर हैं, 1 2 3 4 5 भी है 6 भी है 7 भी है 8 भी है 9 भी है और 10 भी है। अब कह रहे हैं संख्या 6 प्राप्त करना, अब संख्या 6 एक ही बार है ना संख्या 6, और कितनी संख्या है 10, तो ये हो जाएगी 1/10। अब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5/10 हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो आंसर आएगा 1/2। अब 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी कह रहे हैं तो कितनी है 1 2 3 4 4 है, तो 4/10, 2 2 4 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 2/5। अब 4 देखो, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने के लिए कुल परिणाम, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हैं, एक अंक की एक संख्या, तो 9, क्यों, क्योंकि जो 10 है 10 तो इससे ही मिलके बनाया 1 से, तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया, तो एक अंक की जो एक संख्या है वो 9 है, तो 9/10 ही हमारा हो जाएगा, और 10 जो है हमारी दो अंकों की संख्या है वैसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो देखो ग्रीन वाले कितने हैं, ग्रीन वाले हैं 3, ब्लू वाले कितने हैं, ब्लू वाले हैं 1, और रेड कितने हैं, रेड कितने हैं 1, और ठीक है। अब देखो 3 हरे एक ब्लू एक रेड, तो कितने हो गए 3 + 1 + 1 यानी कि हो गए 5। तो अब देखो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 1/5, कुल त्रिज्याखंडों में नीला त्रिज्याखंड कितना है 1 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर खाली नीले की बात करें तो नीले की हो जाएगी 1/5। अब ये कह रहे हैं जो मैं प्राप्त करना है वो नीला न हो, तो नीला न हो का मतलब क्या है कि वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, तो ग्रीन कितने हैं 3, रेड कितने हैं 1, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कि 4/5, तो ये हो जाएगी त्रिज्याखंड जो नीला न हो प्राप्त करने की प्रायिकता 4/5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। अब ये कह रहे हैं 2 में घटनाओं की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम देखो कितने हैं 2 3 5 2 3 और 5 है, तो टोटल है 3 और ये है 6, तो 3/6 3 1 3 3 2 6 1/2 हो गया। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1 4 और 6 ये भी 3 होगा 3/6, तो ये भी 1/2 हमारी हो जाएगी। अब देखो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, 5 से बड़ी संख्या खाली एक ही है, तो 1/6 ही हमारा हो जाएगा, और 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम तो 5 है, तो 5/6 ही हमारा हो जाएगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, तो वी लर्न टुडे दैट प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता को हमें कैसे देखना है। तो देखो अब हमें देखना है कि हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 2 हमारी ब्लैक बॉल्स हैं,
तो हमें देखना है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता कितनी है। अगर वो हमसे पूछेंगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी टोटल की 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 5, तो 3/5। और अगर ये हमसे बोले ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक है 2 और टोटल है 5। और आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होनी चाहिए हमने कार्ड जो प्ले हम करते हैं तो कार्ड्स में पता होना चाहिए कौन कौन से कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे इक्के कितने होते हैं और क्वीन कितनी होती है उसमें, किंग कितने होते हैं। तो ये सब हमें बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कौन सा कार्ड कितने हैं तो हम वो नहीं कर पाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल तो 52 होते हैं तो सबको पता है, पर बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर पता रखनी है। अब डाइस है तो डाइस में तो सबको पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर भी आपको मैंने बता दिए हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो जिसका खाली 1 और वो खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।